बड़ी खबर आपको बता दें, सुखदेव सिंह का अंतिम संस्कार आज होगा गोगामेड़ी में, उनके पैतृक गांव में। और क्योंकि थोड़ी देर के लिए जब अस्पताल से उनका शव लाया गया तो राजपूत सभागृह में रखा गया था, राजपूत सभा भवन में, लेकिन अब वहां से भी उनका पार्थिव शरीर मूव कर चुका है। और अब वहां से सुखदेव सिंह का जो पैतृक गांव है हनुमानगढ़ का गोगामेड़ी गांव, क्योंकि वो अपने गांव का ही सरनेम लगाते थे, यानी कि अपने गांव को ये रिस्पेक्ट देने के लिए वो अपना सरनेम गोगामेड़ी लिखते थे, वहीं उनका अंतिम संस्कार आज दोपहर 3:15 पर किया जाएगा। गोगामेड़ी गांव उनका पैतृक गांव है जहां से वो बिलोंग करते थे, वहीं उनका अंतिम संस्कार किया जाएगा। किस तरीके से दो हमलावर उनसे बातचीत करने के लिए आते हैं, बातचीत करते हैं 10 मिनट तक, लेकिन किस तरीके से ताबड़तोड़ गोलियां चला देते हैं जिसमें न केवल सुखदेव सिंह को गोली लगती है बल्कि उनके साथ उनके एक मित्र अजीत भी मौजूद रहते हैं, उनको भी गोली लगती है। अजीत उसी अस्पताल में भर्ते हैं जहां पर सुखदेव सिंह का पोस्टमार्टम हुआ, वो वेंटिलेटर पर है। सुखदेव सिंह की हत्या के बाद में कांग्रेस सरकार पर सवाल खड़े हुए कि आपको बार बार चेताया गया, आपको सुखदेव सिंह भी कह रहे थे कि मुझे धमकी भरे कॉल्स आ रहे हैं, बावजूद इसके क्यों नहीं अब तक कार्रवाई की गई। और नतीजा यह हुआ कि सुखदेव सिंह की जान चली गई। लॉरेंस बिश्नोई गैंग, जिसका नाम सिद्धू मूसेवाला हत्याकांड में भी सामने आया था, वही गैंग सुखदेव सिंह की हत्या के पीछे भी है। रोहित गुदारा, वो सबसे बड़ा चेहरा जो विदेश में बैठकर इस पूरे हत्याकांड को रचता, न केवल इस हत्याकांड को, वो अलग अलग समय पर कई हत्याकांडों को रचता रहा है। कैसे? रोहित की मुलाकात लॉरेंस बिश्नोई से होती है जेल के अंदर, जेल के अंदर से ये पूरी साजिश रची जाती है। दो तस्वीरें हम आपके सामने दिखा रहे हैं। पहली तस्वीर जब एम्बुलेंस के जरिए सवाई मानसिंह अस्पताल से उनका पार्थिव शरीर राजपूत सभा भवन में लाया गया, थोड़ी देर के लिए रखा गया, और अब राजपूत सभा भवन से उनका पार्थिव शरीर मूव किया गया है हनुमानगढ़ के उनके पैतृक गांव गोगामेड़ी में। तो हम लगातार आपको विजुअल्स तो दिखाई रहे हैं, और 72 घंटे का समय दिया गया, 72 घंटों में से कुछ घंटे तो बीत चुके हैं, अब कुछ ही घंटे बचे हैं पुलिस के पास में, क्योंकि उन 11 मांगों में से एक मांग ये भी थी कि आप इतने समय के अंदर हमें आरोपियों को खोज के दीजिए। दो तस्वीरें मैं आपके सामने रख रही हूँ। पहली तस्वीर हमने आपको, ये जो तस्वीर आप देख रहे हैं, क्योंकि पुलिस की मौजूदगी है, ये वही जगह है, ये देखिए सुखदेव सिंह बैठे हुए थे, और कैसे ये दो हमलावर एक के बाद एक कई राउंड गोलियां चलाते हैं। ये वाला हमलावर सुनिश्चित करता है ये अजीत सिंह होते हैं, वो जो नीली जींस में खड़े हुए हैं, आपको चेहरा नहीं दिखाई दे रहा होगा इसमें सीसीटीवी फुटेज में, लेकिन वो अजीत सिंह है जो उनके मित्र होते हैं, अक्सर उनके साथ रहते हैं, वो खुद भी अस्पताल में भर्ती है और जिंदगी और मौत की जंग अस्पताल में लड़ रहे हैं।